भ्रष्टाचार मुक्त भारत में रहना हर भारतीय का सपना है, इसलिए यह हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खबरों में रहने वाला मुद्दा है। ये लगभग हर किसी के लिए चर्चा का केंद्र बनता चाहे चाहे वह हमारे राजनीतिक नेता हो, समाचार मीडिया हो, छात्र हो या फिर आम जनता हो। अब इसी चीज को लेकर जन जागृति हो, इस उद्देश्य से एसीबी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। क्या है वो अभियान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करता है। यह समस्या हमारे देश को आंतरिक रूप से खा रही है। यह समय है जब हम में से प्रत्येक को हमारे देश पर भ्रष्टाचार की नकारात्मक प्रभाव का एहसास होना चाहिए और हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। यह अक्सर कहा जाता है कि भारतीय राजनेता भ्रष्ट है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है और यह हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, जिसके चलते संपूर्ण महाराष्ट्र समेत पूरे देश में भ्रष्टाचार में कमी आए। इस उद्देश्य से एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उनकी ओर से एसटी बसों पर स्टिकर चिपकाकर जनजागृति की जा रही है। इस संदर्भ में बात करते हैं पुलिस उप अधीक्षक नरेश पारवेद ने अधिक जानकारी साझा की। दक्षता जन जागृति मुहिम जी है राबत आहोत पूर्ण महाराष्ट्र भरच है। जो टास्क मिला है पूर्ण एस टी बसेस ज्या प्रत्येक मार्गावर धावतात आणि त्यांचा प्रत्येक जनसंपर्क शी संपर्क येत असतो आणि त्याच्यामध्ये जिथे जे जे लोक या एस टीमध्ये चढतात त्यांनी ते स्टिकर वाचून कमीत कमी हे बोध घ्यावा की कोणालाही लाच देऊ नये आणि लाच घेऊ नये आणि या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्र किंवा भारत हा भ्रष्टाचार मुक्त व्हावा हीच आमची संकल्पना आहे। ही मोहीम पूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू आहे। या मोहिमेअंतर्गत नागपूरमध्ये पूर्ण तालुके पूर्ण जिल्हाभर ही मोहीम सुरू आहे आणि जनतेला मी हेच आवाहन करू इच्छितो की कोणालाही कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता कोणालाही लाच देऊ नये आणि कोणतेही जे शासकीय कर्मचारी आहेत किंवा कोणताही माणूस त्याच्या मदतीला धावून त्याच्याकडून त्याच्या मार्फतीने लाच घेतो तर त्यांनी कोणाकडून लाच घेऊ नये। हीच माझी सर्व नागरिकांना किंवा पूर्ण जनतेला आवाहन आहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है, जिसके चलते यही आवाहन किया गया कि कोई भी व्यक्ति ना तो रिश्वत ले या ना तो दे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 21 अक्टूबर से यह अभियान चल रहा है जो 1 नवंबर तक चलेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज, नागपुर।